दोस्तों, हमारे शरीर में सभी बीमारी की जड़ होती है तनाव, यानी कि टेंशन। अगर आप बात बात पर टेंशन लेते हैं बिना मतलब का, आपका मूड खराब होता है तो भविष्य में आपका स्वास्थ्य खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। शुगर या फिर डायबिटीज, पेट के रोग, कमजोर दिमाग, लिवर की खराबी, इन सभी रोगों की शुरुआत होती है तनाव और गलत लाइफस्टाइल से। इन्हीं में से एक बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि ज्यादा तनाव लेने के कारण ही होती है। तनाव का सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है और हाई ब्लड प्रेशर दिल से ही जुड़ी बीमारी है। आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो भी कुछ बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और कुछ बहुत ही आसान से योग के द्वारा। आज मैं आपको कुछ बहुत ही आसान से घरेलू उपाय बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने का, जिससे आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। तो चलिए आइए ये नुस्खा जानते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए आपको त्रिफला का चूर्ण जरूर खाना चाहिए। त्रिफला यानी कि हरड़, बहेड़ा और आंवले का समान अनुपात में बनाया गया चूर्ण, जिसे आपको सुबह के वक्त खाली पेट जरूर खाना चाहिए। इससे आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी सामान्य हो जाएगा। इस चूर्ण को आप सुबह के वक्त हल्के गुनगुने पानी के साथ खाली पेट खा सकते हैं, या फिर रोजाना रात को सोने से पहले 2 चम्मच त्रिफला के चूर्ण को 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो के रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को छान लीजिए और इसे खाली पेट पी लीजिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही तेजी से सामान्य होता है। आप चाहे तो इस पानी में थोड़ा स्वाद के लिए शहद भी डाल सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तभी आपको इसमें शहद डाल करके पीना है। दोस्तों, बढ़े हुए हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए मेथी और अजवाइन के पानी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग आयुर्वेद में भी बहुत ही ज्यादा किया जाता है। रात में सोने से पहले आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मेथी के दाने डाल करके इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह उठकर इस पानी को छान करके आपको इसे पी लेना है। इससे भी बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही तेजी से कम होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस नुस्खे का प्रयोग आपको बिल्कुल सुबह के वक्त सोकर उठने के तुरंत बाद ही करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर लो ब्लड प्रेशर हो, अगर आपको अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य करना है तो आपको रोजाना सुबह 2 लहसुन की कलियां भी जरूर खानी चाहिए। लहसुन से हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही तेजी से कम होता है। रोजाना कंटिन्यू अगर आप 2 से 4 लहसुन खाली पेट खाने लगेंगे तो कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा। अगर आपको लहसुन चबाने में परेशानी होती है या फिर आप कच्चा लहसुन सुबह के वक्त चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो लहसुन के तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लहसुन का तेल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 4 से 5 बूंद लहसुन के तेल को 1 गिलास पानी में डाल करके पी लीजिए। इससे भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आपको कच्चा लहसुन खाने से मिलता है। अगर लहसुन का तेल आपको ना मिले तो आप लहसुन के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन के रस को 1 गिलास पानी में डाल करके भी आप पी सकते हैं। इससे भी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से सामान्य हो जाता है। रात में सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिला करके इस दूध को पी करके ही सोना चाहिए। इससे बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से कम होता है। ये बहुत ही आसान और रामबाण तरीका है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा पाने का। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उन्हें लो फैट दूध का प्रयोग करना चाहिए। हल्दी और दालचीनी का मिक्सचर आप शहद के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 1 चम्मच शहद में 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिला करके भी रात में खाना खाने के बाद या सोने से पहले इसका 1 चम्मच खा सकते हैं। आप चाहे तो किसी कांच की शीशी में इस नुस्खे को बना करके भी रख सकते हैं। 50 ग्राम पिसी हुई हल्दी, 50 ग्राम दालचीनी का चूर्ण और 100 ग्राम शहद, इन तीनों को मिक्स करके आप किसी कांच की शीशी में भर के रख दीजिए। इसे रोजाना सुबह शाम भी आप खा सकते हैं। इससे बहुत ही तेजी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, दिल से जुड़ी हुई बीमारी दूर होती है। इसके साथ ही शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बहुत ही तेजी से कम होता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है उन्हें
हफ्ते में एक बार अपने शरीर की अच्छी तरीके से मालिश करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरीके से होता है, हमारी नसों में खून अच्छी तरीके से दौड़ता है, जो नसें ब्लॉक हो गई हैं वो नसें खुल जाती हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर और भी ज्यादा कंट्रोल में आता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को सुबह के वक्त प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम करना बेहद ही जरूरी होता है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। इसके साथ ही आपको खाने में नमक का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। आपको कम से कम नमक खाना चाहिए। कच्चा प्याज खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि कच्चे प्याज में क्वेरसेटिन नाम का फ्लेवोनॉइड्स बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जो हमारी ब्लॉक्ड नसों को खोल देता है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी और भी ज्यादा कम हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज या फिर शुगर की परेशानी नहीं है, तो आपको दोपहर का खाना खाने के बाद एक चम्मच शहद में एक चम्मच आंवले का पाउडर मिला करके जरूर खाना चाहिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। आंवले और शहद से बीपी बहुत ही तेजी से कंट्रोल होता है। हमारी नसों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी बाहर निकल जाता है। इन सभी नुस्खों के साथ ही ये जरूरी है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं। रात का खाना जल्दी खाएं और जल्दी सोने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठें और तनाव को अपने से कोसों दूर रखें। इससे आपका ब्लड प्रेशर सामान्य होने में बेहद ही कम समय लगेगा, और ये नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं वे पूरी तरीके से काम करेंगे, यानी कि इन नुस्खों का आप पूरा पूरा रिजल्ट देख पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिस ना कर पाए। मैं मिलता हूँ कल शाम को आपसे एक और नए हेल्थ से जुड़े किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।